खींचे जा इसे, खींचे जा, खींचे जा, खींच, खींच तू, खींच इसे, दोनों हाथों से खींच इसे, हाँ खींचे जा, खींचे जा, खींचे जा, हाँ धक्का, फिर दे मारिए इसके। ये शाबाश, 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 कोई बात नहीं। आठ है तेरे, आठ तीन। ओए योला के दिमाग में आ रहे। अपना हाथ अंदर रख बेटे। योला का दबाना उड़े काउंटर मारना। कैसे? ऊपर मत चढ़िए। अनाड़ी काम नहीं। अनाड़ी काम मत करे। आपको कुश्ती सही मतलब जो है क्यों पसंद आया? मैं जैसे अब अवधेश भाई साहब ने बताया कि गांव से ही सब लोग को, हम सब की गांव से ही निकासी है, और मेरा एक गांव है, छोटा सा गांव है दिल्ली में, बापरोला गांव है नजफगढ़ के पास में। बापरोला नजफगढ़ के पास में। तो बचपन से ही कुश्ती का शौक था, परिवार में कुश्ती का शौक था, तो इसीलिए कुश्ती को चुना। और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि कुश्ती के माध्यम से देश की सेवा करी। और कभी भी अवधेश भाई साहब से चर्चा करता, आदेश भाई साहब से जब जब मुलाकात होती है, तो बड़ा ये भी बड़ा मोटिवेशन करते हैं, सुधीर भाई हैं, कि आप देश की सेवा करते रहो, पीछे हम आपके खड़े हैं। तो इनका भी विशेष आशीर्वाद मेरे पे रहा है। आपने मांग की हर राज्य में, देशों में, हर जिले में स्टेडियम। 2008 के बाद मैं आपको बता दूं, मैं मध्य प्रदेश सरकार से भी जुड़ा हुआ हूँ, और वहाँ एक जो आदिवासी एरिया है वहाँ पर भी वो सुविधाएँ पहुँचने लग गई, और वहाँ पे भी आज अब मैं कहूँ कि भोपाल में एक एकेडमी चलती है, तो वहाँ आदिवासी जो बच्चे हैं, जहाँ आप देखोगे कि उनके पास पहनने के लिए भी कपड़े नहीं हैं, तो आज वैसी जगह पे भी सरकारें काम कर रही हैं। तो मैं बहुत बधाई उनको दूंगा कि ऐसा ही काम उत्तर प्रदेश में हो, तो हमारा स्पोर्ट्स और बढ़े।